दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शर्मा एक बार फिर आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत लॉकडाउन की जैसे ही अपील की है, उसके साथ ही पूरा देश एकजुटता के साथ उनके साथ आ खड़ा हुआ है। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझी है। सोशल डिस्टेंस की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया। सोशल डिस्टेंस के लिए अलग-अलग तरीके से कुछ मैसेज कोड किए जा रहे हैं। एक सीधे तरीके से स्पीच करते हुए कोई मैसेज करने की बजाय एक अंदाज में मैसेज करना यदि कोई सीखे तो वो राजस्थान की पूर्व महिला आयोग की चेयरपर्सन रही श्रीमती सुमन शर्मा ने किस तरह से मैसेज किया है वो अपने आप में काबिलेतार। उन्होंने अपने अंदाज में कहा है, पास नहीं आना, दूर नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। महिला आयोग की चेयरपर्सन भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुमन। मुझे लगता है कोरोना पे जो एक बॉलीवुड का बहुत ही गाना मशहूर था, आज वो बड़ा ही प्रासंगिक होता हुआ नजर आ रहा है। और वो दो लाइन आपके को समर्पित करती हूँ। मेरे ख्याल से सबके दिल की हालत ऐसी ही होगी। जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, वो उन सबके दिलों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। लेकिन इस महामारी से हम सबको बचने के लिए कुछ उसी, मैं कहूँगी, हल्के फुल्के अंदाज में, मुझे लगता है थोड़ा आप लोगों को इससे आनंद मिलेगा, घर में मनोरंजन होगा और समय भी हमारा बीतेगा। इस हल्की सी झलक को आपके सामने पेश कर रही हूँ। पास नहीं आना, दूर नहीं जाना, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है।